हेलो एंड वेलकम टू भुखर जॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए केक और मफिन की रेसिपी लेकर आई हूँ। मतलब आप इससे मफिन भी बना सकते हो, केक भी बना सकते हो, और इतना स्पॉन्जी, इतना मज़ेदार। इसकी खास बात पता है क्या है? कोई मेज़रमेंट का झंझट नहीं है इसमें। आपको बस पैकेट खोलना है और बना लेना है। जी हाँ, मैं केक मिक्स की बात कर रही हूँ। केक मिक्स से मैंने इतना मज़ेदार केक बनाया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये है केक मिक्स। और इस डब्बे के पीछे पूरा इसका जो प्रोसीजर है ना, वो है इसमें एडिशनल उस केक मिक्स के साथ एक कप, हाफ कप बटर और 3 अंडा, थोड़ा सा पानी, 200 ml। इसमें इन्होंने 200 ml लिखा है, पर आपको मैं दिखाऊँगी 200 ml एक्चुअली लगता नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों ने 3 अंडे फोड़ दिए हैं। बिल्कुल बच्चों वाला काम है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। शायद मेरे बच्चे जो हैं इसको स्टर कर रहे हैं, दोनों बच्चे मिलके इसको बना रहे हैं। और मतलब ये जिस तरह से ये लोग बना रहे हैं ना, बिल्कुल ये बच्चों वाला ही काम है। जब हमारा केक, ये जो एग है ना, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, अब मैं इसमें हाफ कप मेल्टेड बटर डाल दी हूँ। मेल्टेड बटर की जगह पे आपको घी डालना है तो आप घी भी डाल सकते हैं। और अब क्या करना है, ये देखिए, ये पैकेट है, इस पैकेट में सारा कुछ डाला हुआ है। कुछ नहीं, आपको बस वो पैकेट निकाल के इसमें डाल देना है। थोड़ा धीरे धीरे करके डालिए और ताकि लम्स ना पड़े, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और इस तरह से करके आप सारा कुछ डाल दीजिए। मेरे बेटे को तो ये इतना पसंद आता है, उससे तो अभी रहा ही नहीं जा रहा है, वो पाउडर लेके ही खाना शुरू कर दिया है बिल्कुल। ये देखिए, इस तरह से आप इसको मिक्स कीजिए एकदम बढ़िया से। इस समय आपको लगेगा ये थोड़ा सा चलाने में आपको थोड़ा सा हाथ पे बल पड़ेगा, लेकिन फिर अब इस वक्त इसमें पानी मिलाइए। मैं 200 ml लेके बैठी हूँ, बट इसमें 100 ml के अराउंड ही पानी लगेगा। डब्बे में जब आप देखिएगा तो वो बताते हैं कि आपको 200 ml लगेगा, बट मैंने इस चीज़ को मेज़र किया, ये सिर्फ 100 ml पानी लगेगा। आप मत दीजिएगा 200, वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। और कुछ इस तरह से, इसमें आपको एसेंस या कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्री मिक्स है, इसमें सब कुछ ऑलरेडी डाला हुआ है। इसका एक्चुअली एगलेस केक भी बहुत अच्छा बनता है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको एगलेस केक सीखना है या नहीं। मैं फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे इसी केक मिक्स से एगलेस केक भी बना सकते हैं हम लोग। ये देखिए, और बस अब पानी देने के बाद ना, अच्छे से स्मूथ चल रहा है ना, बच्चों को दे दीजिए पूरी अच्छी तरह से। आपके जो बच्चे हैं ना, वो इसको अच्छे से स्टर करते रहेंगे, बच्चे भी खुश, आपका काम भी हो गया। और ये देखिए, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अब मैं इसको मफिन का जो एक टिन आता है उसमें मैं डाल रही हूँ। पहले थोड़ा सा इसको बटर से मैंने ग्रीस कर दिया और इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो बैटर है। मैं इस का ना कपकेक्स बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को स्पॉन्ज केक से ज़्यादा अच्छा कपकेक छोटे छोटे पीसेस में होते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। बट आप इसको केक मोल्ड में डालिए और केक बना दीजिए। और कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें कोई भी बटर पेपर का यूज़ नहीं किया है, कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। और जो बाकी के ये देखिए बैटर बचे हुए हैं, मेरे पास एक पोर्सलिन के बोल है छोटी सी, उसमें मैं इसको ट्रांसफ़र कर दी हूँ। जब मेरे कपकेक्स बन जाएंगे फिर मैं इसको डाल दूंगी। और देखिए, मेरा बेटा लिख करना शुरू कर दिया है केक। ये जो हमारी जो कपकेक है, इस पे मैंने फोर्क डाल के देखिए इस तरह से निकाला, ये बिल्कुल साफ निकल गया है। इसका मतलब हमारे जो मफिन्स हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम लोग ये जो ओवल शेप का मैंने बोल में सारे बैटर रखे थे वो डाल देती हूँ। इसे भी सेम टेम्परेचर पर डालना है। और देखिए ये कितने मज़ेदार बने हैं, क्या स्पॉन्जी हैं। और इस तरह से आप दोनों को बनाइए। इसको आप करीब 25 मिनट के लिए बेक करिएगा,
30 से 35 मिनट लिखा है, पर ये आपके ओवन के साइज़ पे डिपेंड करता है। और देखिए हमारा जो ओवल शेप का केक है वो भी बन गया है। बस इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए प्लेट में। देखिए बन गया ना, यूँ ही बिल्कुल मज़ेदार सा केक। इसकी भी देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, कितना मज़ेदार, बिल्कुल स्पॉन्जी सा, एक बहुत ही नाइस क्लोज व्यू। आप देखिए, बनाइए, खाइए, मज़ा कीजिए।